बात करें एलईडी फ्लैश की, तो यहाँ पे एक बड़ी सी एलईडी फ्लैश दी गई है रियर कैमरा पे। फ्रंट कैमरा में कोई एलईडी फ्लैश नहीं है, लेकिन फ्रंट कैमरा की फोटोज भी अच्छी आती हैं। और इससे पहले कि मैं आपको कैमरा के बारे में और बताऊं, मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल जो है दिखा देता हूं, जो हमने इसके रियर कैमरा से और फ्रंट कैमरा से खींचे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ़ोटो मैंने ली है अपने कैमरा की, और ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी आई है। और अगेन इसमें मैंने फोकस किया है यहाँ पे जो लोग हैं उनके ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि लोग प्रॉपर फोकस में हैं यहाँ पे, और कैमरा की डिटेल्स जो है थोड़ी ब्लरी हैं, क्योंकि मैंने फोकस किया था टैप करके इन लोगों पे, तब जाके फोटो जो है इस तरह की आई है। जबकि अगर आप दूसरी फोटो देखेंगे तो इस केस में मैंने उन्हीं लोगों के साथ फोटो लिया है, लेकिन इस केस में मैंने टैप किया था कैमरा पे, तो यहाँ पे कैमरा जो है बिल्कुल साफ क्लियर क्रिस्पन क्लियर आया है। तो ऐसे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कैमरा में, कैमरा डेफिनेटली बेहतर है इस डिवाइस का, और जो सैमसंग के डिवाइस हमने अभी तक देखे हैं वो डेफिनेटली उन डिवाइसेस से और बेहतर कैमरा यहाँ पे सैमसंग ने इसमें दिया है। इसी के साथ मैंने इसमें एक सेल्फी फोटो भी क्लिक की है, और आप देख सकते हैं कि सेल्फी फोटो की क्लैरिटी कैसी है। सेल्फी फोटो या तो ये है सेल्फी फोटो जो कि मैंने इसके फ्रंट कैमरा से ली है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्लैरिटी के साथ, बहुत अच्छे कलर्स के साथ ये सेल्फी आई है। तो कैमरा के हिसाब से मैं थम्स अप दूंगा इस डिवाइस में, लेकिन हाँ स्टोरेज में कॉम्प्रोमाइज़ है। 16 GB की स्टोरेज मिलेगी सिर्फ आपको इस फ़ोन में, और साथ ही साथ 2 GB की रैम मिलेगी। प्राइस मुझे लगता है इस डिवाइस की 15,000 से तो ऊपर ही होगी, और अगेन एग्जैक्ट प्राइस क्या होगी वो अभी भी नहीं पता है, लेकिन 15,000 से 20,000 के आसपास इसकी कोई प्राइस जो है हो सकती है जब ये इंडिया मार्केट में आएगा। तो ऐसे में 15,000 से 20,000 वाले जितने भी फ़ोन हैं उसमें आपको आराम से 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है, लेकिन इसमें नहीं मिलेगी। उनमें आपको आराम से 3 GB रैम तो मिल ही जाती है, लेकिन इसमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइजेस सैमसंग ने इस फ़ोन में किए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को दबा के सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन को दबाइए, ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।